औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 17 जुलाई 2023। तमाम वफाकी व सूबाई मुलाज़मीन को सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एग्जैक्ट इस वक्त आपको जिस तरह से वादा किया था कि इंशाल्लाह ताला पंजाब भर के मुलाज़मीन ने जो एक जद्दोजहद की है उस पर फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी लेंगे और रखवाली भी करेंगे, 5 दिन धरने के बाद हफ्ते वाले दिन जो है इस्लामाबाद वापसी हुई थी। इस वक्त भी लाहौर ये ठोकर नियाज बेग रायवेंट किस साइड जाना है, सीधा जाना है हमने वापसी की तरफ जो है, इसको साइलेंट कर दीजिएगा, मूव कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के हवाले से, क्योंकि पंजाब भर के मुलाज़मीन ख़ास तौर पे तीन कैटेगरीज हैं हमारी, एक वो मुलाज़मीन जो अमली तौर पे इस धरने के अंदर शरीक थे, दूसरे वो मुलाज़मीन जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की और सोशल मीडिया के ऊपर सपोर्ट करते रहे, तीसरे वो मुलाज़मीन जो सिर्फ कैलकुलेटर लेके जिनका काम था तनकीद करना और ये सारे मामलात करना, तीनों जो कैटेगरीज़ के मुलाज़मीन हैं उनके लिए ये मैसेज है। ख़ास तौर पर मेरे वो भाई और बहनें जो इस धरने में मौजूद रहे, कि आज प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब थे, उनके साथ जो है तफसीली मीटिंग हुई, मगर उस मीटिंग से पहले तमाम कायदीन की जो है लाहौर में मीटिंग हुई, और उसके बाद जब गए और नोटिफिकेशन के हवाले से जो उनसे बातचीत हुई थी हमारी, वो उनके आगे गोश गुजार की हमारे साथियों ने। मीटिंग में मैं खुद भी मौजूद था, वज़ीर आला से भी उन्होंने वहाँ पे ऑन द स्पॉट जो हाई अप से उनके साथ फ़ोन करके जो है ये सारे मामला तय पाए, और बहुत क्लियर कट जो है मैं वीडियोस भी शेयर करूँगा कि मीटिंग में उनको कन्वे किया है हम लोगों ने कि मौजूदा जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पहले हम कायदीन पे प्रेशर था, क्योंकि ज़ाहरी बात है तमाम सूबों में हो चुका, सिर्फ पंजाब रहता था। उसके बाद जब एहतजाज में गए तो कायदीन पे प्रेशर, बुरा भला ज़ाहरी बात है मुलाज़मीन की उम्मीदें होती हैं कायदीन पे, फिर जब एहतजाजी धरने में गए तो हमारे मोहतरम वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब की शान के अंदर जो है मुलाज़मीन ने दिल खोल के कसीदे पढ़े, और वो क्या थे वो सबको पता है। और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब को हमने वाज़े किया है कि इस वक्त जो हालात चले गए हैं बड़ा ट्रिकली, सारे का सारा प्रेशर और ये मामलात जो है ये तोपों का रुख मेरे महरूम और मजलूम पंजाब के मुलाज़मीन का जो है वो अब कायदीन की तरफ, कायदीन की तरफ और मलिक मियां अहमद ख़ान साहब और प्राइम मिनिस्टर की तरफ होगा, क्योंकि हमें यकीन दहानी करवाई गई थी कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो है ये हदायत थी। नदीम अशरफी साहब, नदीम भाई अल्लाह हाफिज़, जनरल सेक्रेटरी आल गवर्नमेंट एम्प्लॉज़ ग्रैंड अलाइंस पंजाब जो है अभी हम उनको ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ से निकलते हुए, बहुत इस मीटिंग का जो है ज़ाती राय अगर मैं यहाँ पे शेयर करूँ तो पॉजिटिव वाइब्स हैं, किसी सूरत में मुतहम्मिल नहीं हो सकती मुस्लिम लीग नून जो है, कि जब भरे मजमे के अंदर आके और प्रोटेस्ट जो है हमने वाइंड अप किया इस यकीन दहानी के ऊपर के प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शंस हैं इसके ऊपर, और इलेक्शन जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर है। बल्कि मैं एक चीज़ ये भी वाजे कर दूं कि गालबन 30 तारीख को कोई उनका वहाँ पे जलसा भी है मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब का, और उन्होंने ये कहा है कि उससे पहले पहले होगा, और हम ये कमिटमेंट उनके साथ वहाँ पे करके आए हैं कि हमारा ये नोटिफिकेशन हो जाता है हमारी मर्ज़ी के मुताबिक तनख्वाह पेंशन लीव इन कैशमेंट के, तो हम जो 10 से 15 हज़ार बंदा एहतजाज के लिए ला सकते हैं तो हम हुकूमत के शुक्रिया के लिए भी लेके आएंगे, इजहार तशक्कुर के लिए भी आपका जो भी वहाँ पे प्रोग्राम है आपने रखा हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव किरदार अदा किया है हो जाता है तो डेफिनेटली हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। ये भी बता दिया कि बेंग सरकारी मुलाजिम अपनी सिटिंग गवर्नमेंट के साथ थे हैं और हमारे मनसबे भी है रहेंगे, तमाम साथी जो है बिल्कुल तसल्ली रखें और तैयारी भी रखें।
जो वजीरे आला या चीफ मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर या आपके चीफ सेक्रेटरी के साथ जो मीटिंग होनी है उसके हवाले से मुज़ाकराती कमेटी का भी उन्होंने कहा है कि वो बैठेंगे, क्योंकि वजारत ख़जाना जो है पंजाब की वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस की बात कर रही है, जिसके ऊपर इन्होंने कहा है कि आप हमें बताएं जो भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी सरप्लस हम वहाँ से देंगे अगर यहाँ से मीटअप नहीं होते। तो बहुत क्लियर कट ये चीज़ें हैं, मैं आप साथियों को बता दूँ, और खुदा न खास्ता मैं फिर से यहाँ पे कहूँगा कि अगर मामलात नहीं होते तो ये कायदीन ही थे जो आपके लिए सुबह से शाम तक बैठे उधर मुझ समेत। मामलात इंशाल्लाह ताला हल होंगे, नहीं होंगे तो फिर घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कायदीन जो हैं एक पेज के ऊपर हैं, और बहुत क्लियर कट स्टांस है कि मुलाज़मीन के हकूक़ के ऊपर बिलखसूस, पाकिस्तान तो है ही है, पंजाब भर के मुलाज़मीन के हकूक़ के ऊपर समझौता नहीं होगा। बैकग्राउंड में नज़र आ रहे होंगे राजा ताहिर साहब, सदर अगीका पंजाब, आते हुए सुबह मुझे 4 बजे जो है घर से पिक किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिर से वापसी पे हैं। कोई एहसान नहीं कर रहे, एहसान उन तमाम मुलाज़मीन का था वफाक समेत दीगर तमाम सूबों के मुलाज़मीन पे के जो इकट्ठे थे, और ये अब एक कर्ज़ है जो तमाम सूबों ने और वफाक ने मिल के उतारना है, एक जिद्दोजहद है जो हमने करनी है। राय साहब को मैसेज आप देना चाहें तो प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया बाजो साहब, आपने मैसेज दे दिया है और यही मैसेज मेरा भी है जो आपने बातचीत की है, तफसीलन आपने बात कर दी है, सब जितने भी दोस्त हैं उनके वाजियाब पैगाम आपने दे दिए, और इंशाल्लाह जो बाजवा साहब ने कहा इंशाल्लाह ऐसे ही है, और फिर जल्द नोटिफिकेशन भी होगा और फिर जश्न भी होगा, और इंशाल्लाह हम लाहौर भी अगर हमें उनका शुक्रिया अदा करने के हवाले से जाना पड़ा तो हम मुलाज़मीन को लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत एक दफ़ा फिर से तमाम मुलाज़मीन के लिए कि आपकी लीडरशिप जो है वो पंजाब के चेयरमैन खालिद जावेद संघेड़ा साहब, दीगर कायदीन सदर साहब बैठे हुए हैं, दीगर तमाम यूनियंस एसोसिएशंस जो हैं, जनरल सेक्रेटरी भी गए, तमाम यूनियन एसोसिएशंस ख़ास तौर पे हमारी मैडम रुखसाना अनवर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर तारिक कलीम साहब और जितने भी अहदेदारान हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक पेज के ऊपर हैं, और किसी भी सूरत पे मुलाज़मीन ये जहन में रखें कि आपके हकूक़ पे डाका नहीं मारने दिया जाएगा। इनिशियल के हवाले से जो समरी मूव हुई थी उसका हमने उनके नॉलेज में ले आए कि ये एक बहुत नेगेटिव मैसेज जाएगा कि यहाँ पे हम ये चीज़ें कर रहे हैं और ये चीज़ें, उनका कि आप तसल्ली रखें इन केस वो नोटिफिकेशन हो भी जाता है तो डेट डजेंट मैटर, उसको रिवाइज़ करवा के, क्योंकि तमाम मुलाज़मीन ये जहन में रखें कि कोई भी चीज़ जब प्रिंसिपली एग्री हो जाती है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, जिस तरह बजट के अंदर था ऐलान हुआ उसकी समरी मूव होती है, समरी की अप्रूवल होती है, काबीना के अंदर जाती है, पहले मुतलका मिनिस्ट्री उसको करती है, फिर काबीना में जाती है, मिनिस्टर करता है, काबीना उसकी अप्रूवल देता है, फिर वो डाउन मार्क होती है, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से दोबारा समरी मूव होती है। नहीं तो बजट वफाक में 9 को हुआ था तो 4 जुलाई को उसका नोटिफिकेशन क्यों हुआ था। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसको मद्देनज़र हमने रखना है, इंशाल्लाह ताला एक दो रोज़ के अंदर जो है समरी जो है वो बन जाएगी, कायदीन के साथ बैठ के ये मीटिंग हो जाए लीव इनकैशमेंट के हवाले से और पेंशन के हवाले से जो है। बड़ा वाजे करता चलूं कि उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट पेंशन के हवाले से निगरान हुकूमत ने ये सारे मामलात किए हैं, तो बड़ा क्लियर कट मौकफ दिया है पेंशन के हवाले से भी, लीव इनकैशमेंट के हवाले से भी, कि सिर्फ सैलरीज नहीं जो दीगर इश्यूज हैं हमें उनको भी रिजॉल्व करवाना है, और उसके साथ साथ जो दीगर मुलाज़मीन के मसाइल हैं उनका भी। तो दुआ में याद रखिए, इस मैसेज को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।